एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए अनदर ब्लॉग में। आज है संडे और कपड़े मेरे बाहर वॉश हो रहे हैं वॉशिंग मशीन में। खाना मेरा बन चुका है, आधा बन चुका है, मींस चावल बन गया है, दाल बन गई है, यहाँ बन रहा है पम्पकिन की सब्जी और थोड़ी देर के बाद उसका मसाला वगैरह कर दूंगी और फिर खाना मेरा रेडी है। यहाँ वॉश हो रहे हैं मेरे कपड़े, एक बार ऑलरेडी वॉश हो चुके हैं डिटर्जेंट से एंड सेकंड टाइम अब वाटर डाल रही हूँ मैं इसमें। दिस ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक इसमें पानी अब आ रहा है और उसके बाद वॉश होगा, फिर रिंस होगा, फिर स्पिन होगा, फिर अगेन थ्राइस टाइम में दोबारा ऐसे ही वॉश करूँगी। उसके बाद कपड़े मेरे बाहर सूखने के लिए रेडी है। चावल बन चुका है, दाल बन चुकी है। कपड़ों में आ सकता है तो एप्रन पहनना जरूरी है। आई ऑलरेडी शेयर विथ यू देन दाल एंड राइस। अब जा रहा है इसमें मसाला, मसाला मैंने भिगा दिया था तो फटाफट ये प्रिपरेशन कर लिया। तो ये मसाले में मैं इसी टाइम में ही डाल दूंगी टमाटर। आज संडे है तो मुझे टाइम मिला है कि नाइसली अपने लिए खाना बना के एंजॉय करने के लिए, तो आई एम डूइंग दिस थिंग। एंड कद्दू की सब्जी, वैसे ही कद्दू जो पम्पकिन होते हैं ऑलरेडी मीठे होते हैं तो व्हाट्स कॉल्ड, वैसे ही कद्दू की सब्जी जो कद्दू होते हैं पम्पकिन वो ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो उस कंडीशन में मैं मसाला कर रही हूँ। दाल मैंने फीकी दाल बनाई, फीकी इन द सेंस इसमें मैंने सिर्फ तड़का मारा है, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा अनियन टमाटर कुछ यूज़ नहीं किया है, सिर्फ लहसुन का मैंने तड़का दिया हुआ है, दैट्स इट। एंड क्योंकि इसे मैं मसालेदार बनाऊँगी, ओवर मसाला भी नहीं बट हाँ थोड़ा स्पाइसी बनाऊँगी। सो मसाला हो रहा है, सो 5-10 मिनट के बाद सब्जी मैं बंद कर दूंगी। सब्जी मेरी बस रेडी है, थोड़ा सा और पकने के लिए छोड़ा है, दैट्स इट। सो गाइस, आई टुक शावर और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। एंड साउंड जो आपको आ रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ MTV पर प्यार का पंचनामा और मिस देख नहीं रही हूँ, बात भी कर रही हूँ और देखती भी जा रही हूँ, घर के काम भी करते जा रही हूँ। सो खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। ओके, खाना खाने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस, मैं दिन में सो गई थी और अभी सो के उठी हूँ। मैं जा रही हूँ आउटसाइड और ये मैंने पहनी है ड्रेस और देखती हूँ कुछ भी शॉपिंग करती हूँ, बस ऐसे ही घूमने जा रही हूँ और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्लान होता है, कुछ शॉपिंग करती हूँ या कुछ खाऊंगी पीऊँगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँ। ओके, देन कम विथ मी आउटसाइड। सो नाउ आई एम इन मॉल एंड आई ऑर्डर फ्रॉम मैकडोनल्ड, महाराजा मैकवेज बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज एंड फ्रेंडा, देन आई एम गोइंग टू शो विथ यू। उसके बाद मैं फूड इंजॉय करूँगी एंड आफ्टर वर्ड फिर मेरा कुछ प्लान बनता है तो फिर मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज माई वेज बर्गर, महाराजा बर्गर एंड फ्रेंडा, सो आई एम गोइंग टू हैव और आफ्टर हैड आई विल कैश यू। ओके, सो केएफसी से खाना मेरा हो गया। अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। देखा बहुत क्राउडेड, टुडे संडे देन टू मच क्राउड इज हियर। तो मेरा अगर मैं शॉपिंग करती भी हूँ तो मेरा 1-1.5 घंटा तो वेस्ट हो जाएगा, मीन्स 15-20 मिनट लग जाएंगे बिल मेरा क्लियर करने के टाइम पे लिफ्ट लाइन में खड़े होने पर। तो बस यही है, सो हम वही लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। और आज मैंने पहना है ये मैंने दूसरे मॉल से परचेस किया था। मॉल से तो मैंने कोई शॉपिंग की नहीं और मेरा क्योंकि मुझे इस मॉल से शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है, कंपैरिजन जो दूसरा मॉल है वहाँ से शॉपिंग करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अभी यहाँ से तो मुझे लेना भी नहीं है और काफ़ी ट्रैफिक है, सॉरी काफ़ी क्राउड है और क्लॉथ लेना नहीं था। जो चीज़ में ज़रूरत है लेने के लिए वो मिलेगा मार्केट में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड मुझे लेना है, सो उस कंडीशन में तो मुझे मार्केट ही जाना पड़ेगा। तो आज संडे है तो इतना क्राउड है, ऑब्वियसली लाइक मी एवरीवन फ्री ऑन संडे ओनली, तो वो लोग भी आए हैं शॉपिंग करने। तो
सो गाइज मॉल से निकलने के बाद फिर मैं नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप में चली गई। फिर वहाँ से मैंने जो डेली नीड की थिंग है दोबारा जो ख़त्म हो रही थी वो दोबारा बाय कर ली है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ घर। आई एम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और घर जाके बस मुझे थोड़ी देर आराम करना है। थोड़ी देर क्या, प्लान तो बहुत कुछ थे, आज मैं पूरा प्रॉपर रेस्ट करना चाहती हूँ ताकि फिर कल से मुझे मंडे है, मंडे ऑल्सो माई हॉलीडे, बट मुझे मंडे को अपना एकेडमी से रिलेटेड प्रिपरेशन करना है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग के टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका टेंशन भी है। लेकिन अकेली सिंगल लाइफ यहाँ चल रही है ना, उस कंडीशन में मुझे ही सब काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती है, बॉडी पेन होने लगता है, तो फिर मैं ऐसा मार देती हूँ कि चलो रहने दो, बाद में करेंगे। ये बाद में के चक्कर में बर्डन बढ़ रहा है ना जो मेरे सर पे, वो मेरा भी सर से उड़ रहा है। तो घर पहुँच के फिर मैं आपसे बात करूँगी। सो गाइस रूम पे मैं आ चुकी हूँ और अभी 2-3 मिनट ही हुए हैं। आई एम टायर्ड और मैं 1-2 सेकेंड कुछ और आराम करूँगी, मे बी 5-6 मिनट और, उसके बाद फिर मैं फेस वॉश करने चले जाऊँगी, हाथ पैर धोऊँगी। और ऑलरेडी मैंने बाहर खा लिया है बर्गर मैकडोनल्ड से बर्गर खा लिया है, तो मेरे को नहीं लग रही है अभी भूख, तो डिनर तो मैं कुछ करूँगी नहीं। सो मैं सोच रही हूँ कि आज की वीडियो को यही एंड कर दूँ क्या, क्योंकि कल से मैं चाह रही हूँ कि नया रूटीन चालू हो जाए, एंड अनदर थिंग कि फिर आज जल्दी सोऊँगी तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब एक चेन की तरह चलने लगेगा कि जल्दी सोऊँगी तो जल्दी उठूँगी, एंड वीडियो भी एडिट करना है तो उस चक्कर में एक टाइम सेट रहेगा तो उस अकॉर्डिंग काम हो पाएगा। तो फिर मैं मिलूंगी कल मैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ लाल साज़। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, बहुत सारा।